Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. My name is Mehad and today's video is going to be a CBSC 10th grade study vlog during summer vacation. So guys, यहाँ पे मैं कर रही थी अपना बायो, क्योंकि बायो में मुझे करना था आज रिवीजन. और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी नोट्स से ही रिवाइज कर रही थी, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छी अपनी नोट्स बनाई है. सो उससे मैं रिवाइज कर रही थी, और मतलब जितना हो सकता है ना मैं बायो को रिवाइज करती, क्योंकि बायो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो मैं भूल जाती हूँ, इस वजह से मैं इसको रिवाइज करती हूँ. और मुझे कुछ दिन भी हो गया था बायो को रिवाइज किए, तो इस वजह से मैंने कहा लाओ आज एक बार फिर से मैं स्टार्टिंग से रिवाइज कर देती हूँ. सो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना पूरा रिविज़न करना, और रिविज़न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज. मतलब हर चीज़ में ना, कहीं भी तुम किसी से पूछ लो ना, तो मतलब पढ़ लो लेकिन उसके बाद रिवाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और इस चीज़ में मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे हूँ, मुझे रिवाइज़ करना बिल्कुल भी नहीं पसंद. इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मैं रिवाइज़ करने की आदत जो वो डालूंगी. और रिवाइज़ करने के बाद यहाँ पे करंटली हो रहे थे 7:57, मतलब ये रात का 7:57 हो रहा था. और रिवाइज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर दिया अपना न्यूट्रिशन अमीबा वाला जो डाइग्राम है उसको. और ये वाला शायद डाइग्राम हमारे ना जो सर है ना, वो ये वाला डाइग्राम बहुत हम लोगों को देते हैं, मतलब एग्जाम में हर जगह पर, इस वजह से मैंने इसको भी यहाँ पे अपने नोट्स में भी ड्रॉ कर लिया. और ड्रॉ करने के बाद मैं अपना न्यू टॉपिक जो है उसको, उसकी जो नोट बनाना स्टार्ट कर रही थी, जो कि है रेस्पायरेशन. मतलब न्यूट्रिशन वाले तक मेरा ना नोट्स में बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट लिखा है, बट मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे अपना रेस्पायरेशन का बनाना. क्योंकि देखो, मैंने तुमसे भी पिछली वीडियो में तुम्हें बताया था कि मैं रेस्पायरेशन पढ़ी हूँ और मैंने रफ़ नोट बनाई थी, तो रफ़ नोट्स का यूज़ करके मैं यहाँ पर अपनी फेयर नोट बना रही थी, क्योंकि मैंने ना रफ़ में बनाई थी और वो ऐसी थी, ठीक थी, बट वो रफ़ नोट थी. तो इस वजह से मैंने बायो के अलग से नोट इसलिए बनाए, क्योंकि बिल्कुल ना बायो में बिल्कुल साफ साफ दिखता है, तभी मुझे समझ में आता है अच्छे से. तो यहाँ पे मैं बस इसको अपना नोट्स बना रही थी, और मैं एनसीईआरटी की भी हेल्प ले रही थी बीच बीच में. और गाइस, मैंने अपनी प्लेस को चेंज कर दिया, और मैं तुमसे बताना चाहती हूँ कि मैंने पढ़ते वक्त ना अपनी प्लेस को चेंज करते रखा, तो मैं वहाँ से उठ के यहाँ आ गई और मैंने यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू कर दिया ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथ में जो होता है. तो यहाँ पे मैं उसका जो था, मतलब कि पूरा फ्लो चार्ट है ये, तो उसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू कर दिया. ड्रॉ क्या किया, बस मतलब सब कुछ लिखा है, सब कुछ अच्छे से. और ये देख सकते हो आप, ये इसके टॉपिक का तो अच्छा सा नाम ये है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज वेरियस पाथ, जिस मतलब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस किस तरीके से होता है, यही सब कुछ है इसमें. और उसके बाद मैंने एनसीईआरटी की हेल्प लेके एटीपी के बारे में जो भी था लिखने से स्टार्ट कर दिया. सो यहाँ पे मैं कर ली थी अपनी नोट्स को कंप्लीट, मतलब फुल कंप्लीट नहीं हुई थी, अभी आधा बच्चा था मेरा, लेकिन मेरा जितना भी हुआ मैंने किया. और आप देख सकते हो मेरे नोट्स. सो गाइस, आज मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा था. तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि जैसे समर वेकेशन में ऐसा होता है ना कभी कभी कि हमें लगता है कि यार हम पूरा सिलेबस ही ख़त्म कर दें, लेकिन यार देखो समर वेकेशन में जितना हो सके उतना मतलब पढ़ना तो चाहिए, थोड़ा पढ़ो, बट इतना भी नहीं कि तुम पूरा कम्प्लीट ही कर लो. वैसे तुम्हारी अलग अलग चॉइस है, लेकिन बट मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, एडवाइस देना चाहूँगी कि तुम थोड़ा पढ़ो इस समर वेकेशन में, और अपनी समर वेकेशन को अच्छे से इन्जॉय करो. सो या गाइज, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना.